कभी कुछ बनवाया ना उन्होंने कभी किसी के लिए, ना कभी नल की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था। बड़ी बड़ी बातें करवा लो उन लोगों से खाली, दिल्ली चेकावती यहाँ जाओ तो बोल भगाते हैं किसी को, बोले जाओ तुम्हारा हो जाएगा काम। ने वोट के लिए तो सब पहले भीख मांगने आते हैं हमारे मोहल्ले में, कभी देखने तो नहीं आए, ये दूर दूर से बस सब चाहिए उनको बॉन्ड वगैरह सब। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला शक्ति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। राशन पानी दे न सके जो वो सरकार की कमी है, अरे राशन पानी दे न सके जो वो सरकार की कमी है। सुनता है अगर तत्काल मुआवजा का ऐलान नहीं करता तो पूरा बस स्टैंड बंद कर देंगे। बात करें हमको 3 दिन के अंदर राशन चाहिए, तत्काल 3 दिन में राशन मिलना चाहिए सब लोगों को। और दूसरी हमारी मांग है कि एक तो आपके जो कर्मचारी हो निष्पक्ष कहीं भी सर्वे कर नहीं रहे, किसी भी वार्ड में नहीं कर रहे हैं सर। भाई रुको, भाई साहब बात कर, नेताओं के घर में बैठ के उन्होंने सर्वे कर लिया। ये इतनी मात शक्ति है, ये अपना घर बार छोड़ गई, अपना चोला चुका छोड़ गई, जिनके छोटे छोटे बच्चे हो भूखे प्यासे घर में बैठे हो दूध पीने के लिए, लेकिन ये माता बहन इतनी ताकत के साथ अगर यहाँ आई तो निश्चित ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वार्ड वाइज बड़े अच्छे अधिकारी को भेजे और सर्वे कराए और तत्काल जो भी सर्वे हो उसका तत्काल मुआवजा इनको मिलना चाहिए। हमारा ये निवेदन है साहब आपसे, जैसे ये घर था तो ये प्रूफ है कि वाकई में घर डूबा हुआ था। आपके अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, सिर्फ नाम पता पूछ के जा रहा था, आप किस भी आपको मुआवजा दोगे उनको? आप कंडी का 6 में सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं सारे कर्मचारी, नगर पालिका के 5 कर्मचारी 1 से 12 में कंडी का 6 के अंतर्गत जो मुआवजे के रूप में भरना चाहिए था वो कंडी का 6 में एक जगह कमरे में बैठ के भर रहे हैं। ना तो जो मर्जी आ रही है वो राशि भर रहे हैं, ना पार्षदों को बुलाया जा रहा है, जबकि हम लोग रेस्क्यू में शामिल थे। ये बैठा हुआ पार्षद 4 नंबर का, मैं 6 नंबर का, ये 7 नंबर के, ये 8 नंबर के, हम रेस्क्यू में हमने लोगों को निकाला, हमें मालूम है किस जगह पे पानी भरा हुआ था, लेकिन आपके कर्मचारी हमसे ये तक नहीं पूछ पा रहे हैं कि किस जगह पानी भराया था, कौन लोग चिन्हित थे, मतलब कोई गया है। जब ऐसी स्थिति आती है ना तो वो छुप जाते बिल में जाके, निकलने का तो दूर की बात है। फार्म जब हमारे यहाँ के पार्षद पहले करके दे रहे हैं वो भी नहीं ले रहे, ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका नहीं है, सिर्फ पैसे हेट हेट के बैठी है। ना सड़क बनी हमारी, ना पुलिया बनी है, ना अरे कभी एक बार तो आकर देखो, कभी तो झाको, खड़े होकर तो देखो 2 मिनट कि तुम्हारी औकात है क्या खड़े रहने की, जब तुम जैसे अच्छे अच्छे में रह सकते हो, हमें देखना नहीं चाहते। और हमसे पूछ रहे तुम्हारे कितने बर्बाद हुए, मेरे घर में आके देखो कि कितना क्या बर्बाद हुआ है, हम एक एक आंसू रोए हैं, वास्तु की कीमत चुकाओ कि तुम अबे जा नहीं बचा बनते हो बीजेपी हैं, अभी एक आना अधिकारी को तो भेज, बिस्तर नहीं बचा सोने का बच्चों का, चार दिन हो गए।